आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ द वेवलेंथ चेंजेस फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, अगर वेवलेंथ में चेंज आ रहा है हमारा लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा चेंज आया, देन द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन विल चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा। अगर वेवलेंथ हमारी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा चेंज हुई तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन थीटा से थीटा प्लस डी थीटा चेंज होगा। और ये डी थीटा बाई डी लैम्डा, दिस एक्सप्रेस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग। अब ये डी थीटा बाई डी लैम्डा के लिए रिलेशन निकालना है हमने ग्रेटिंग में। ठीक है, तो nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा इज गिवन बाय ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे हम। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन Differentiating equation 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा d थीटा इक्वल टू n d लैम्डा। n हमारा यहाँ पे नॉन वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट टर्म है कुछ, और लैम्डा जो है वो चेंज होता है, वेरी करता है यहाँ पे, तो इसको एन इंटू डी लैम्डा बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ से, डी थीटा बाय डी लैम्डा, डी थीटा बाय डी लैम्डा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी लैम्डा इक्वल टू एन इंटू अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा रिलेशन डी थीटा बाय डी लैम्डा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, और डी थीटा बाय डी लैम्डा इक्वल टू एन एन डैश अपॉन कोस थीटा, एन एन डैश अपॉन कोस थीटा। और ये एन डैश क्या है, एन डैश को हमने रिप्रेजेंट किया वन अपॉन ए प्लस बी से। ठीक है, और ये होगी हमारी नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, एन डैश इज नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ऑन द ग्रेटिंग। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन, सपोज इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 मान लेता हूं, इस नंबर 2 इक्वेशन से ये क्लियर है हमारा कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये एन है, अगर ऑर्डर ज्यादा है तो उतनी ही ज्यादा डिस्पर्सिव पावर होगी। तो यहां हम बोल सकते हैं कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम या इंक्रीजेस विद द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। और नंबर 2 पॉइंट क्या है कि डिस्पर्सिव पावर इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन ग्रेटिंग एलिमेंट। ये हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट है, अगर यहां से लें तो लिख सकते हैं हम डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज विद डिक्रीज इन ग्रेटिंग एलिमेंट, या
डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा डिस्पर्सिव पावर था। इसको एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। चेंज इन एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ हमारी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा चेंज हुई तो एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन कहां से कहां चेंज होगा, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा। और ये डी थीटा बाई डी लैम्डा जो है हमारा है, ये एक्सप्रेस करता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग को। ठीक है, अब इस डी थीटा बाई डी लैम्डा का रिलेशन हमने निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमने इक्वेशन लिख दी। ये इक्वेशन है हमारी nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा की, nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा की इक्वेशन है हमारी ये। ठीक है, ग्रेटिंग में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर वन को डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, तो इसमें जो वेरिएबल टर्म होती है उसके साथ डी लग जाता है। ए प्लस बी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू एन इंटू डी लैम्डा। ओके, एन इंटू डी लैम्डा, तो यहां से डी थीटा बाई डी लैम्डा हमें निकालना था, तो ये होगा एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन एन डैश अपॉन कॉस थीटा, और एन डैश क्या है, वन अपॉन ए प्लस बी। इसको हम नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर बोलते हैं। यहां से क्या कंक्लूड किया हमने, इन दोनों रिलेशन से क्या कंक्लूड किया, एक तो डी थीटा बाई डी लैम्डा डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। या हम ये कहें कि डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। और नंबर टू क्या है, नंबर टू पॉइंट में डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग इंक्रीज विद डिक्रीज इन ग्रेटिंग एलिमेंट। ये ए प्लस बी होता है हमारा ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, अगर ये डिक्रीज करेगा तब ये डी थीटा बाय डी लैम्डा हमारा इंक्रीज होगा। या इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग। थैंक यू।